अच्छा लेगरूम मिलता है। और इसमें मैंने चार लोग के साथ ट्रैवल तक किया हूँ दोस्तों की, मतलब चार लोग हम लोग पीछे बैठे हैं और कोई भी दिक्कत नहीं आई है। स्वागत करता हूँ आरपीआर ब्लॉग के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। हे गाइस, सबका स्वागत है आरपीआर ब्लॉग के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा खास, क्योंकि आज मेरे बचपन की ड्रीम कार, मतलब मेरी ही नहीं 90s के हर किड की एक ड्रीम कार होती थी दोस्तों। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सफारी स्ट्रॉन्ग की। दोस्तों बात करूँ इसके डिज़ाइन की, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल स्क्वायरिश में मिलती है और एक प्रॉपर एसयूवी लगती है दोस्तों। ऐसा नहीं कोई फंकी टाइप का डिज़ाइन मिल जाए जो आपको 2-3 साल बाद चेंज करना पड़े। ये हैगा लाइफ टाइम, आप इसको कितने साल भी चला लेंगे आपको इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत ही अच्छा मिलने वाला है दोस्तों। फ्रंट से आप इसकी ग्रिल देखेंगे, काफ़ी अच्छी स्क्वायरिश में मिलती हैगी और ये सिलेक्टेड है, किसी को पसंद आती किसी को नहीं आती। लेकिन हाँ, ये जो बड़ा सा स्ट्रॉन्ग इसमें लिखा हुआ हैगा ये हर किसी को पसंद आता है, जो गाड़ी को काफ़ी बोल्ड लुक प्रोवाइड करता है दोस्तों। और इसकी जो रोड प्रेजेंस है वो बहुत ही अच्छी, अगर ये गाड़ी आपके सामने से निकलती है तो एक बार आपकी नज़र इसमें जरूर जाएगी दोस्तों। टायर में आते हैं तो टायर की प्रोफाइल आपको काफ़ी थिक मिलती है, क्योंकि अगर ये जब ऑफ रोड करती है दोस्तों तो इसका टायर आसानी से कट ना जाए, इसलिए इसमें काफ़ी थिक टायर मिलता है। इसमें वेरिकोर की बैजिंग मिल जाएगी, क्योंकि इसमें आपको वेरिकोर इंजन मिलता है दोस्तों। साइड में आते हैं तो देखते हैं इसमें आपको मिलता है लैडर फ्रेम, क्योंकि ये गाड़ी बनी हुई है लैडर फ्रेम में। काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है दोस्तों, मतलब 200 mm के आसपास में आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, कि अगर आप कहीं भी लेके जाएंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली दोस्तों। दरवाजे का जो थ्रस्ट मिलता है ना दोस्तों, इसी से आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी की क्या बिल्ड क्वालिटी होने वाली है। थोड़ा सा और साइड में आएंगे, देख सकते हैं बिल्कुल, मतलब बोल्ड, मतलब जो स्क्वायरिश आपको मिलता है गाड़ी का बिल्कुल बोल्ड, वही आपको इसमें मिलने वाला है। पीछे आपको टाटा और सफारी स्ट्रॉन्ग की बैजिंग मिल जाती है, कि यहाँ टाटा का भाई पुराना वाला लोगो, एक वेरियंट है दोस्तों ये का। और यहाँ पर भी आपको चढ़ने का मिलता है, देख सकते हैं ये प्रॉपर 7-सीटर है। और इसमें आपको जो स्पेस मिलती है बहुत अच्छी स्पेस की, तो अपन बाद में करेंगे जब अपन अंदर चलेंगे दोस्तों गाड़ी की। दोस्तों चलते हैं गाड़ी के अंदर, बाहर से तो मैंने आपको इसकी वॉकराउंड दिखा चुका हूँ, अब दिखाता हूँ अंदर से कितनी ज़्यादा प्रीमियम लगती है दोस्तों और कितना ही ज़्यादा ये स्पेस आपको प्रोवाइड करती है। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो भाई लोग फाइनली आ चुके हैं इस बार टाटा सफारी के अंदर। और हाँ दोस्तों, मेरा बहुत मतलब एक ड्रीम टाइप का था कि इसको अपने ब्लॉग में मैं कैप्चर करूं, यहाँ आपको सफारी लिखा मिल जाएगा। गाड़ी अंदर से बहुत ही शानदार है और स्पेस की कोई कमी नहीं है, यहाँ भी आपको स्पेस मिलेगी, यहाँ भी आपको स्पेस मिलेगी और काफ़ी बड़ा ग्लव बॉक्स मिलता है दोस्तों। इसमें आपको एक लॉक भी मिलता है, मतलब अगर आप प्राइवेसी थोड़ी चाहते हैं तो वो भी इसमें मिल जाती है, देख सकते हैं। ड्यूल एसी मिलता है इसमें आपको, यहाँ भी एसी मिलता है, यहाँ भी आपको ये एक वेंटिलेशन के लिए मिलता है, अगर आपका जो धुआं वगैरह रहता है वो जैसे आप सिगरेट वगैरह पीते हैं तो बाहर निकल जाता है दोस्तों। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल नहीं मिलेगा, उस साइड मिलता है, क्योंकि जब ये चलती है ना दोस्तों मतलब अलग ही लेवल की चलती है। इसमें आपको वैनिटी मिल जाते हैं दो, एक में मिरर मिल जाता है, एक में नहीं दोस्तों। यहाँ पे मिल जाता है आपको पावर विंडो के पूरे कंट्रोल्स लॉक अनलॉक का, और यहाँ पे आपको फ्यूल गेज का भी कंट्रोल मिल जाता है, यहाँ आपको और भी कंट्रोल मिल जाते हैं। गाड़ी में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको सेंटर में सारा एसी का म्यूजिक सिस्टम सब कुछ मिल जाता है, ये सब चीज़ें बेसिक। गाड़ी चालू करता हूँ, दिखाता हूँ कितने किलोमीटर ये चली हुई है, हैंडब्रेक लगा हुआ है दोस्तों। गाड़ी चली हुई है 58,000 किलोमीटर, मैं दिखाता हूँ आपको अपने हाथ दोस्तों, गाड़ी चली हुई है 58,000 किलोमीटर। अब यार सफारी की मैं क्या ही बात करूं, इसमें जो आपको मतलब अगर आप सामने से कैमरा में दिखाना चाहेंगे, अगर जो आपको व्यू मिलता है ना आपको पूरा बोनट दिखता है, मतलब अगर आप इजी कहीं भी जैसे ऑफ रोड वगैरह करते हैं तो आपको व्यू बहुत शानदार मिलने वाला है। ऐसा नहीं राजा वाली फीलिंग आती है कि आप अंदर बैठे हैं आपको सब कुछ दिख रहा है, आप बहुत हाइट में बैठे हुए हैं क्योंकि, इसलिए आपको सब कुछ दिख जाता है। और व्यू में इसमें काफ़ी बड़े हुए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली दोस्तों। इसमें गाड़ी गियर में थी, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा इसका आपको म्यूज़िक भी मैं चेक करवाता हूँ कि कैसा है इसका म्यूज़िक, एक मिनट। बस कॉपीराइट बहुत तेज मारते हैं आप लोग। तो यार ये तो हो गई फ्रंट की प्रोफाइल, थोड़ा सा मैं आपको रियर का स्पेस इस बार दिखाना चाहूंगा, क्योंकि इसमें भी आपको डेडिकेटेड एसी मिल जाता है और जो स्पेस मिलता है दोस्तों, जो थाई सपोर्ट मिलता है, अगर आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग ट्रिप भी कर रहे हैं दोस्तों, मैं बेसिकली सफारी में काफ़ी लॉन्ग ट्रिप किया हूँ तो मुझे पता है कितना अच्छा कंफर्टेबल मिलता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं कमाएंगे, लाइट अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो पीछे चलता हूँ दिखाता हूँ आपको पीछे से कितनी अच्छी स्पेस मिलने वाली है।
दोस्तों आ चुका हूँ इसके रियर सीट में, और इसमें जो स्पेस मिलता है ना दोस्तों, मुझे ऐसी मतलब बहुत ही कम गाड़ी जो मुझे इतनी पसंद है, जो रियर सीट से मुझे पसंद आती है दोस्तों। मैं देख सकता हूँ 6 फीट का हूँ मैं, और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है बैठने में, काफ़ी अच्छा लेग रूम मिलता है। और इसमें मैंने 4 लोग के साथ ट्रैवल तक किया हूँ दोस्तों, कि मतलब 4 लोग हम लोग पीछे बैठे हैं और कोई भी दिक्कत नहीं आई है, काफ़ी लंबा ट्रैवल किया हूँ मैंने। इसमें रियर एसी आपको मिल जाता है और डेडिकेटेड एसी है, मतलब यहाँ वालों के लिए अलग है, यहाँ वालों के लिए अलग है। ये एसी कंट्रोल है, आप चाहे तो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं एसी को भी, कितनी आपको कूलिंग चाहिए। अगर सामने वालों को अलग से चाहिए तो वो अलग से वहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ वाले अलग से कंट्रोल कर सकते हैं। और बहुत ही शानदार इसका दोस्तों एसी, अगर आपको मतलब ज़्यादा ठंड पसंद नहीं है तो आपको बहुत ही चिल्ड मानने वाला है ये एसी। रियर में भी देख सकते हैं, यहीं से मैं आपको ज़्यादा स्पेस दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी आपको लाइट मिल जाती है, चालू कर देता हूँ। देख सकते हैं कितनी ब्राइट लाइट है दोस्तों, बहुत अंधेरा हो चुका है दोस्तों, अभी 7 बज रहे हैं और मैं उस समय शूट कर रहा हूँ, और इस समय भी काफ़ी ह्यूमिडिटी है, तो इस ह्यूमिडिटी में काम करने के लिए आपके भाई को 1 लाइक ज़रूर करके जाइएगा दोस्तों। अगर आप रियर में देखेंगे तो काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाएगा, मेरे ऐसे 7 फीट अच्छे, वो 7 फीट का नहीं हूँ मैं, 6 फीट का बंदा इसमें आराम से बैठ सकता है। वहाँ पे भी आपको ग्रैब हैंडल वगैरह मिल जाते हैं, कि अगर आप जैसे कहीं ऑफ रोड वगैरह कर रहे हैं तो थोड़ा मतलब दशके वगैरह आपको नहीं लगेंगे दोस्तों इसमें। अब लेके चलता हूँ इसके बाहर, डिस्कस करूँगा थोड़ा सा इसका प्राइस क्या होने वाला है दोस्तों, और हाँ दोस्तों ये फाइनेंस हो पाएगी कि नहीं वो सब आपको मैं बताता हूँ बाहर चल के। दोस्तों गाड़ी है सफारी 2016 मॉडल की एक्सपीरियंस में, फर्स्ट ओनर पर गाड़ी है, गाड़ी का इंश्योरेंस लैप्स है, देखेंगे अगर हो सकेगा तो वो करवा के दे देंगे। गाड़ी का जो हमने आस्किंग प्राइस रखे हैं दोस्तों, वो रखे हैं 6.5 लाख रुपए, कोई बड़े डिस्क्रिप्शन से कॉल करके आएगा थोड़ा बहुत नेगोशिएबल और कर देंगे। और हाँ दोस्तों ये अपने चैनल की पहली सफारी थी, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, काफ़ी ज़्यादा डिमांड आई थी आप लोगों के लिए अनरॉक में सफारी लेके आइए, तो आपके भाई ने आपके लिए सफारी आज ला ही दिया। अंधेरा के कारण मैं थोड़ी वीडियो मतलब अच्छी नहीं बना पाया हूँ दोस्तों, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करके वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाइएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सी गाड़ी पसंद है। अगर आपकी सफारी ड्रीम कार थी तो वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और हाँ, अगली वीडियो आपको कौन सी गाड़ी पे चाहिए उसका मैं पोल करता हूँ, वो आप बताइएगा मुझे कौन सी गाड़ी में आपको अगली वीडियो चाहिए। तो यार मिलता हूँ अगली वीडियो में, सुबह से बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, वीडियो को बिना लाइक करे दोस्तों बिल्कुल जाइएगा मत, मैं कभी नहीं बोलता हूँ लाइक करने के लिए, लेकिन ये गाड़ी मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा लाइक हो। एम करते हैं 500 लाइक्स का, वो आप करवा ही दोगे तो 3 सालों में ना लाइक चाहिए दोस्तों। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जय हिंद।